गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट अवर एक्सरसाइज 4.8, पेज नंबर 64 है हमारा, ठीक है। सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग, देखिए यहाँ पे कुछ आपको सम्स दिखाई दे रहे हैं, इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और इनमें देखिए ध्यान से देखेंगे सब बच्चे, इनमें आप बोरो लेना भी सीखेंगे, ठीक है। बोरो कैसे लेते हैं, अब देखिए नंबर वन है आपका 48 माइनस 39। सबसे पहले आप इसको अरेंज करेंगे, ठीक है। अरेंज कैसे करेंगे, वन स्टैंड लिखा आपने, अब देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था जब आप सब ट्रैक करते हैं तो ऊपर वाला जो नंबर होगा वो बिगर नंबर होगा और नीचे जो होगा वो स्मॉल नंबर होगा, ठीक है। अब 48 बिगर है तो हमने इसलिए 48 को ऊपर लिखा, 38 स्मॉल है तो इसलिए 38 को नीचे लिखा है। अब देखिए क्या करते हैं, ऊपर 8 है वंस में और नीचे 9 है। अब क्या करें हम, यहाँ से टेंस में से हम वन बोरो लेंगे तो यहाँ पे 18 हो जाएगा। अगर हम टेंस में से वन बोरो लेते हैं तो यहाँ पे 18 हो जाएगा। अब 18 में से हम 9 को माइनस करेंगे, ठीक है। अब जब हमने 18 में से 9 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा 9 आएगा। और देखिए जब हमने यहाँ पे वन बोरो ले लिया था तो यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे 3 बचा। अब देखिए हमने 3 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। बोरो लेने के बाद यहाँ पे जो भी नंबर बचेगा हम टेंस में उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 माइनस 3 0 आएगी। और हम यहाँ पे इनको सर्कल लगा के ना साथ के साथ नोट कर लेंगे जिससे कि हमें पता चलता रहे कि हमने कौन सा नंबर अभी सब्ट्रैक्ट करना है। देखिए ऐसे नेक्स्ट है नंबर 2, 62 माइनस 46 हमने अरेंज किया, ऊपर बिगर नंबर है और नीचे स्मॉल नंबर है, ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 2 है, यहाँ वंस में नीचे 6 है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे टेंस में से 1 बोरो ले लेंगे और यहाँ पे कितना नंबर हो गया, यहाँ पे 12 बन जाता है, ठीक है। ये वाला 2 और 1 हमने यहाँ से बोरो लिया, अब यहाँ पे 12 बन गया। अब देखिए 12 में से आपने 6 को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आया, 6, ठीक है। और यहाँ से हमने 1 बोरो लिया था तो 6 में से अगर 1 को हमने वहाँ पे भेज दिया तो यहाँ पे कितना बनता है, यहाँ पे बन गया 5। अब 5 में से हमने 4 को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। 5 में से 4 को सब्ट्रैक्ट किया तो 1 आएगा, हमारा आंसर 16 होगा। ऐसे ही नेक्स्ट है 22 माइनस 14, क्या वन स्टैंड हमने अरेंज किया, देखिए उसके बाद वंस में हमारा 2 है और 4 है तो हमने 1 बोरो लेना है, बोरो लेंगे तो यहाँ पे 12 बन जाएगा और यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे 1 बच जाएगा क्योंकि 2 में से 1 वहाँ पे गया तो यहाँ पे 1 बचेगा। अच्छा अब 12 में से अगर हमने 4 को माइनस किया है तो हमारा 8 आया और 1 में से हमने 1 को सब्ट्रैक्ट किया है तो 0 आया तो 8 हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट है 75 माइनस 38, सबसे पहले हमने इसको अरेंज किया वन स्टैंड, अब वंस में 5 है और 8 है, ठीक है। क्या करेंगे, टेंस में से हमने 1 बोरो लिया और ये 5 तो यहाँ पे क्या बना है, हमारा नंबर बन जाता है 15, ठीक है। 15 में से हमने 8 को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना बचा, 7 और यहाँ पे 7 में से हमने 1 यहाँ बोरो लिया था तो यहाँ पे टेंस में कितना बचा, 6। अब 6 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, 3, ठीक है। 37 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 55 माइनस 28, सबसे पहले इसको अरेंज किया, ठीक है। 5 है वंस में, टेंस है, ठीक है, यहाँ पे 5 है और 8 है तो हमने 1 बोरो लिया, कितना बना, हमारा बना 15, ठीक है। 15 में से हमने 8 को सब्ट्रैक्ट किया तो 7 बचे, अब यहाँ पे हमारा टेंस में बचा 4, ठीक है, क्योंकि हमने 1 यहाँ पे बोरो लिया था ना। तो अब 4 में से 2 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितने बचेंगे, 2 बचेंगे, ठीक है। 27 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 43 माइनस 37, सबसे पहले आपने इसको अरेंज किया वंस टेंस के लिए, उसके बाद हमारे वंस में कौन से नंबर है, 3 है और 7 है, ठीक है। यहाँ पे 3 है 7 है तो हमने टेंस में से 1 बोरो लिया तो यहाँ पे कितना हमारा नंबर बना है, 13 वंस में, ठीक है। अब हमने 13 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करना है, 13 में से 7 को हमने माइनस किया तो कितने बचे, 6 बचे और यहाँ पे हमने 1 बोरो लिया था तो यहाँ पे कितने बचे, यहाँ पे 3 बचे हुए हैं। अब 3 में से 3 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 0, 6 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि सब बच्चों को ये अच्छे से समझ आए होंगे, सब बच्चे इनको
अपनी बुक में, कॉपी में, ठीक है, या आपको अपनी नोटबुक में नोट करनी है, ठीक है, और आपको इनकी प्रैक्टिस भी करनी है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।